जगह जाओ फो इधर देखो अबू भाई, नाम रखना अबू भाई, और ये कहा सुनो, इसको दुनिया के रास्ते पर मत चलाओ, ये अल्लाह वाला है, इसे अल्लाह का के रास्ते पर चलाओ। टीपू सुल्तान जब से जरा इधर देखो, अभी दुनिया में नहीं आए, पेशन को ही दे दिए, तब से वाली है टीपू सुल्तान। शहर बैंगलोर आम फरमाए से उस्मान पाशा खादिर अहमदुल्लाह ने किया अजीजाने मोहतरम, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ले को अल्लाह तबारक व ताला ने चार दर्जे दिए। हिंदुस्तान की 900 साल तारीख में कई बादशाह, बाबर, हिमायून, अकबर, मुगलों का दौर, लोधी डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, हर किस्म के बादशाह गुजरे। अली आदिल शाह भी दक्कन में बड़े बड़े मकबरे बनाए, बीजापुर की जामिया मस्जिद बनाए, इन तमाम बादशाहों में आखिरी टीपू सुल्तान का उर्स क्यों है? इन तमाम बादशाहों में टीपू सुल्तान का उर्स क्यों है? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत, विलायत अल्लाह तबारक व ताला ने चार दर्जों पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फायज किया। पहली बादशाहत, दूसरी शुजात, तीसरी विलायत और चौथी शहादत। ये इमाम हुसैन अली मुकाम रजी अल्लाह तआला का सदका है कि इस्लाम और दीन के लिए, हक के लिए शहीद होकर शहादत कुबरा इमाम अली मुकाम को मिली, और वतन के लिए शहादत पेश करते हुए टीपू सुल्तान ने वो दर्जा और मकाम दकन के लिए ये हासिल किया। सुपुत्र टीपू सुल्तान के गौरवाइदे ಅಕ್ಕಹಿ ಗಳ ವಂಶಸ್ಥರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬಳಿಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೇವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ 231ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಂಧೋತ್ಸವದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಉರುಸ್ ಕಮಿಟಿ ಕಿ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಆಜ್ ಕೆ ರೂಹೇ ರವಾ ಜನಾಬ ಇಜ್ಜತ್ ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತನ್ವೀರ್ ಸೆ ಸಾಹೇಬ್ ರುಕುನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ और साबित रियासत वजीर का कमेटी की जानिब से खैर मुकदम करते हैं। अब आज के सामने श्री श्री हसैनी स्वामी की टू टू टॉन आपके सामने कड़े जुबान में किताब फरमाएंगे। उपस्थित माजी सचिव उपस्थित नम सरकार साहेब है ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಮುಂದುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ತಾಯಂದಿರು ಸೇರಿಸುವಂತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವ್ರಿ ನೀವು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಕತ್ತರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೇ. ಆದ್ರೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು ಸೂಜಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬರು ಈ ನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಕುಲರ ಭಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಡು ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಇಸಿ ಇದಾರೆಗೆ ರಿಯಾಸತಿ ಸದರ್
और नाम और वकील जनाब सैयद मुकर्रम साहब एक दो मिनट आपके सामने खिताब फरमाएंगे।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम आलम नवाज मुनव्वर अली शाह कादरी सोहरवर्दी रिफायत चिश्ती सूफी मासूमी मदारी है। मैं सदर खलीफा हूँ मदारी सिलसिले का कर्नाटक स्टेट के लिए। माशाल्लाह तबारक ताला मुशीर भाई और सदर साहब मिलकर दावत दिए, मैं यहाँ आया। देखा बड़े ही आलिशान पैमाने में यहाँ पर लोग जमा हुए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताई। माशाल्लाह 230 पर एक जो सुंदरम मुबारक चल रहा है टीपू सुल्तान रदिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का, इस मौके पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि तमाम आवाम को जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे और वतन के लिए जो मेहनत किए, इसी तरह हम तमाम हमारे सारे नौजवान हमारे कौम लोग समझे और इस पर अमल करे, यही कहना चाहता हूँ। सर, आज की नौजवान नस्ल को जो तारीख भूलते जा रहे हैं, जी उनको क्या मैसेज देंगे आप? ये लोग अपना तारीख याद रखना चाहिए कि इस्लाम में कितने बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने वतन की खातिर बहुत कुछ किया। आज आप हिंदुस्तान में देखें तो आपको किसी गैर का कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा मुसलमान के ही मिलेंगे, जो आबाद किए, वो जो हर जगह पर उसको मकाम बनाया, जो आज हिंदुस्तान की पहचान है मुसलमानों की, जो हर जगह से मुसलमान जो बनाए हुए देखने के लिए बाहर से भी आते हैं लोग। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारे बच्चों को हमारी नस्लों को इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ाए और जो भी गुजरे हुए कल को भुला दिए इसका सबक देना चाहिए। जरूर चाहिए। इससे पहले आकर मैसूर? मैं मैसूर को आते जाता रहता हूँ लेकिन इस कार्रवाई में पहली बार आया हूँ। जी, अल्लाह हाफिज़। आज़ादी के पहले मुजाहिद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिनका आज 231वां यानी 231वां उर्स जो है सालाना मनाया जा रहा है, इसके ताल्लुक से आप सब आशिकान टीपू यहाँ पर हाजिर हैं। इस मरतबा जो है अली जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब के जेर निगरानी सदुल उर्स जो है ले जाया गया मिलाद भाग से, क्या कहना चाहेंगे और आप जो है बड़े ही अकीदे के साथ जो है यहाँ पर आकर? जी, हम सा हर साल की तरह हम साल भी खानकाह वारसिया बेंगलोर से, मैं सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। हर साल हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है मशायखीन हजरात और अमाए दीन और उलमाए दीन यहाँ पर तकारीर करते हैं और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ करते हैं, और हम यहाँ से होते हुए टीपू सुल्तान दरगाह शरीफ पहुँचेंगे और वहाँ से मस्जिद आला से जुलूस निकलकर गश्त करता हुआ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर पहुंचेगा और संदल फूल चादर चढ़ाने के बाद फिर जो है वापसी खानकाह वारसिया बेंगलोर होगी। पिछले कितने सालों से ये सिलसिला जारी है कि आप जो है बाकायदा? मैं जो है मैं जो है दस सालों से मैं आ रहा हूँ और दस साल से भी यहाँ मैं तकरीर भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है बड़ी खुशी की बात है, इस साल जो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है जिसमें हम तमाम यहाँ पर शिरकत करते हैं। सर, जिस तरह फिरका परस्त ताकतों की जानिब से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अलैह के नाम को लेकर जो है जो फिरका वाराना फैला रहे हैं उसको जो है आप किस तरह जवाब दें? देखिए, ये तंग नज़री नहीं रखना चाहिए क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यानी जो है हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर जो है संदल उर्स मनाते हैं, ये होते रहना चाहिए, इसलिए कि मोहब्बत बढ़े। सरकार आलम पना हाजी वारिस अली शाह फरमाते हैं, सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो। इसलिए जो है बाकायदा जो है ये तंग नज़र लोगों को न्यारो माइंड लोगों को समझना चाहिए कि वो जहनों में वसात रखें और सब मिलकर बाकायदा जो है हमारे कर्नाटक को जोड़ें और उसके कामयाबी की तरफ जाएं। ये जो है वाकदा जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है वाकदा हमें यानी जो हमारे कर्नाटक के लिए वो शहीद हो गए और अपने बच्चों को रहन रख दिए। ये इतना बड़ा कारनामा है कि जो है हिंदुस्तान का कोई बादशाह ऐसा काम नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया।